मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीआई मंत्रा में। आप सभी की डिमांड और एग्जाम को देखते हुए इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के 100 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की एक सीरीज। हम एक वीडियो में 20 क्वेश्चन करेंगे, इस प्रकार इस पूरी सीरीज में हमारी 5 वीडियो बनेंगी। ये जो सभी क्वेश्चन है ये हमने बहुत ही मेहनत से सिलेक्ट किए हैं। इनको सिलेक्ट करने के लिए जो कई साल पहले भी हमारे जो पेपर थे इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऑब्जेक्टिव टाइप ही होते थे, बीच में ये हमारे सब्जेक्टिव टाइप होने लगे थे, तो हमने जो पुराने पेपर थे वहां से उठाए हैं ये बहुत सारे क्वेश्चन। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो क्वेश्चन आएंगे इसी 100 क्वेश्चनों में से ही आ जाएगा। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर लेने के लिए इस पूरी सीरीज को जरूर से जरूर देखें। और जब ये हमारी पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी 100 क्वेश्चन की, हम लास्ट में इसके पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर ले। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या टेलीग्राम पर जब आप सर्च करोगे ऑनलाइन आईटीआई मंत्रा लिख के तो भी आपको चैनल मिल जाएगा, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इस सीरीज की सभी वीडियो जरूर देखें, सारी वीडियो मजेदार होने वाली हैं, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से आने वाले। और जो बच्चा इस चैनल पर नया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले ताकि उसको आगे आने वाली नोटिफिकेशन भी समय से मिलते रहे। और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, कमेंट करके बताया करो आपको वीडियो कैसी लगी। अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज के हमारे 20 क्वेश्चन। तो साथियों ये रहा आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन क्या है, इंजीनियरिंग ड्रॉइंग का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्ट्रोक स्लाइड करता है वह क्या कहलाता है। देखिए आपका जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो हम हिंदी में कर रहे हैं, और जो हमारे ऐसी टर्म है जिसको हिंदी में समझना थोड़ा मुश्किल है उसको हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं। तो ये दोनों लैंग्वेज के बच्चे चाहे हिंदी मीडियम के चाहे इंग्लिश मीडियम के दोनों कर सकते हैं। हमने देखो ऑप्शन भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी है। तो ऑप्शन आपके पास है बैटन, स्ट्रिप यानी कि पट्टियां, इबोनी या वर्किंग एज, या डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो टी स्क्वायर जो स्लाइड करता है हमारे ड्राइंग बोर्ड पर, ये पिक्चर आपके ड्राइंग बोर्ड की, ये पिक्चर में आपको दिखाया गया है वर्किंग एज है ये। तो जब आप जो सीधा करोगे तो आपका जो टी स्क्वायर है इस प्रकार से होता है हमारा टी स्क्वायर, वो स्लाइड करता है, वो कहां स्लाइड करता है, इस एज पर स्लाइड करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग एज या इबोनी वर्किंग एज। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमें ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ड्राइंग बोर्ड में बैटन का प्रयोग किस लिए किया जाता है। देखो बैटन क्या होता है, देखो ये पिक्चर आपके पास है ये ड्राइंग बोर्ड का, तो इसमें जो बैटन है ये जो दो पट्टियां लगी गई यहां पर लगाई गई है ये क्या कहलाती है हमारी, बैटन कहलाती है। इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं ड्राइंग बोर्ड पे वो पूछा गया। ऑप्शन आपके पास है स्ट्रिप को जोड़ने के लिए, स्ट्रिप को सहारा देने के लिए, बोर्ड को मुड़ने से बचाने के लिए, या मेज पर रखने के लिए। तो जो बैटन है ड्राइंग बोर्ड में उनका प्रयोग किया जाता है बोर्ड को मुड़ने से बचाने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रैप ना हो जाए, जैसे मौसम के प्रभाव में जो बोर्ड है उसमें बेंड ना जाए, मुड़ ना जाए, उसको रोकने के लिए हमने दो बैटन लगा रखे हैं ड्राइंग बोर्ड में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आपका एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, D1 नामित ड्राइंग बोर्ड का साइज चुनो। देखिए ड्राइंग बोर्ड भी आपके अलग अलग साइज में आते हैं, तो उनकी जो डेजिग्नेशन है उसको हम लिखते हैं D0, D1, D2, D3, इस प्रकार से D4 डेजिग्नेशन लिखी जाती है, उसके अलग अलग साइज होते हैं। तो आप यहां से देख भी सकते हो, मैंने एक टेबल आपके सुविधा के लिए बना रखी है। देखो ये डेजिग्नेशन है D0, इसका साइज क्या होगा हमारा 1500 × 1000 × 25, जो 1500 है वो हमारी लेंथ है, जो 1000 है वो विड्थ है, और जो थिकनेस है वो कितनी है 25। किसके लिए यूज करते हैं, कौन सी सीट के लिए यूज करते हैं वो भी लिखा गया है, यानी D0 जो बोर्ड है A0 के लिए हम यूज करते हैं। तो इसका साइज क्या होगा 1500 × 1000 × 25, D1 का क्या है 1000 × 700 × 25, D0 का है 700 × 500 × 15, और D3 का है 500 × 350 × 15, और ये सारे साइज किसमें, मिलीमीटर में साइज है। तो ये आपने चारों याद रखने, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलते क्वेश्चन पे, हमें पूछा गया है D1 का साइज पूछा गया, तो D1 का साइज क्या था हमारा 1000 × 700 × 25 मिलीमीटर था। तो ऑप्शन में देख लेते हैं ये कहां पर है, ये रहा हमारा ए ऑप्शन, इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा। तो D0 से लेकर D3 तक सारे साइज आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, 700 × 500 × 15 मिलीमीटर साइज के ड्राइंग बोर्ड को चुनो। इसमें उल्टा पूछा गया, आपको साइज दे रखा है, आपने बताना है इस साइज का नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास है D0, D1, D2 या D3। तो जो साइज है 700 × 500 × 15 mm वो किसका है हमारा, D2 का।
तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी टू। जो डी टू ड्राइंग बोर्ड है उसका साइज क्या होगा हमारा, 700 × 500 × 15 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। टी वन साइज के टी स्क्वेयर की लंबाई क्या होती है। देखिए जैसे हमारे ड्राइंग बोर्ड डी से शुरू होते हैं, ऐसे ही टी स्क्वेयर के भी साइज होते हैं, वो शुरू होते हैं हमारे टी जीरो से, टी जीरो, टी वन, टी टू, टी थ्री। तो इनके जो साइज होते हैं वो याद कर लो, टी जीरो होता है हमारा 1500 मिलीमीटर का, टी वन होता है 1000 मिलीमीटर का, और टी टू होता है 700 मिलीमीटर का, और टी थ्री होता है 500 मिलीमीटर का। और ये साइज आप ड्राइंग बोर्ड से भी याद कर सकते हो, ड्राइंग बोर्ड की जो स्टार्टिंग लेंथ थी वो यही थी, यानी जो डी जीरो ड्राइंग बोर्ड था वो 1500 से शुरू होता था, तो वही हमारा टी जीरो का साइज है। तो यहां हमसे पूछा गया है टी वन साइज के टी स्क्वेयर की लंबाई क्या होती है, तो आप टी वन की लंबाई यहां से देख सकते हो कितनी होगी, 1000 mm। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, 1000 mm। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, बी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। टी स्क्वेयर किस तरह की लाइनें खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आपने बताना है जो टी स्क्वेयर है, देखो टी स्क्वेयर की शेप इस प्रकार से होती है, उसका आपने बताना किस तरह की लाइनें खींचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपके पास है सीधी समानांतर लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन, खड़ी समानांतर लाइन यानी कि वर्टिकल पैरेलल लाइन, झुकी समानांतर लाइन इनक्लाइंड पैरेलल लाइन, या केंद्रित समानांतर लाइन कंसेंट्रिक पैरेलल लाइन। तो आप यहां से देख सकते हो इससे हम ऐसे लाइनें खींच सकते हैं, ये क्या हमारी हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन, जिसको हिंदी में कहेंगे सीधी समानांतर लाइन खींचने का प्रयोग हम टी स्क्वायर का करते हैं। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन खींचते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। टी स्क्वेयर के हेड और ब्लेड के वर्किंग एज के बीच कितना कोण होता है। अभी हमने एक डायग्राम दिखाया था आपको, इस तरह से हमारा क्या होता है टी स्क्वेयर होता है, इसको हम बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं ब्लेड। तो इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए। तो इसे पूछा गया जो हेड है और ये जो ब्लेड है, ये जो कोण है, ये एंगल है, वो कितना होगा। ऑप्शन आपके पास है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री। तो ये जो कोण आता है ये कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ऑप्शन सी पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सेट स्क्वायर से कितने डिग्री के गुणज में लाइनें खींची जा सकती हैं। देखिए सेट स्क्वायर आपने ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरह से दो ट्रायंगल देखी होंगी, इनको क्या बोलते हैं, हम सेट स्क्वायर बोलते हैं। तो इनका जो प्रयोग है वो कितने गुणज के डिग्री के कोणों में हम करते हैं। तो इसका जो प्रयोग है, इन दोनों सेट स्क्वायर का प्रयोग करके हम 15 डिग्री के गुणज के जितने भी कोण है सभी को माप सकते हैं, खींच सकते हैं। 15 डिग्री गुणज का मतलब 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, यानी 15 को गुणा करते चलो, 15 × 1 = 15, 15 × 30, 15 × 3 = 45, 15 × 6 = 60, 75। तो जितने भी कोण आएंगे 15 के गुणज, इन दो सेट स्क्वायर का प्रयोग करके हम उनको खींच सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 15 डिग्री, आंसर क्या आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। प्रोटेक्टर कोण मापने का उपकरण है। आपने बताना प्रोटेक्टर से हम जो कोण मापते हैं वो किसमें मापते हैं, किस इकाई में मापते हैं। ऑप्शन आपके पास है डिग्री में कोण मापने के लिए प्रयोग करते हैं, मिनट में कोण मापने के लिए करते हैं, रेडियन में कोण मापने के लिए करते हैं, या डी ऑप्शन में से कोई नहीं। तो जो प्रोटेक्टर है हमारा, जिसको हम इसको ऐसे चंदा भी बोल देते हैं, इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, कोण मापते हैं, और किसमें मापते हैं, डिग्री में मापते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, प्रोटेक्टर का जो प्रयोग है हम डिग्री में कोण मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इंजीनियरिंग ड्रॉइंग में पेंसिल का चुनाव किस आधार पर करते हैं। देखिए पेंसिल बहुत सारे ग्रेडों की होती है, तो इसे पूछा गया है जो इंजीनियरिंग ड्रॉइंग में पेंसिल यूज करते हैं वो किस आधार पर करते हैं। ऑप्शन आपके पास है पेंसिल की लंबाई देख के, पेंसिल का व्यास देख के, पेंसिल का रंग देख के, या पेंसिल का ग्रेड देख के। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो पेंसिल का चुनाव होता है वो पेंसिल का ग्रेड देख के किया जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पेंसिल के ग्रेड। तो ये बहुत सारे ग्रेड की पेंसिल हमारे यूज के लिए बाजार में उपलब्ध होती है, लेकिन उनमें से हम चुनिंदा ही यूज करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11th क्वेश्चन है, सबसे सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने बताना है इनमें से सबसे सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल कौन सी है। ऑप्शन आपके पास है HB, 4H, 3B या 7B। तो इससे पहले मैं आपको ग्रेड बता देता हूं, यहां से शुरू होते हैं मान लिया HB, इधर हमारे 1H, 2H, 3H, ऐसे करते करते 7H तक जाती है, इधर हमारी हो जाएगी 1B, 2B, 3B, ऐसे करते करते 7B तक हमारे ग्रेड जाते हैं। जैसे जैसे पेंसिल की ग्रेड इधर बढ़ेंगे हमारे, तो जो सॉफ्टनेस है वो बढ़ेगी, और इधर जाएंगे तो क्या बढ़ेगी, हार्डनेस बढ़ेगी।
तो सबसे जो हार्ड ग्रेड की पेंसिल है वो 7H है और सबसे सॉफ्ट ग्रेड की वो क्या है 7B है। तो यहां हमसे सबसे सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल पूछी गई है, ऑप्शन में 7B कहां पर है, ये रही, तो हम किस पे टिक कर देंगे, डी पे कर देंगे। इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7B। अगर 7B यहां नहीं होता बाय चांस, 6B होता या 5B होता, तो जितने बी के आगे सबसे बड़ा नंबर जिसकी भी ग्रेड के आगे होगा वही सबसे सॉफ्ट होगी, यानी 7B नहीं होता, मान लिया 5B दे देता वो इसकी जगह, तो 5B हमारी इस क्वेश्चन के हिसाब से सबसे सॉफ्ट होती। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन सी होगी। ऑप्शन आपके पास HB, 4H, 9H और 6B। अभी अभी हमने बताया था सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है, 9H। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 9H। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th, सॉफ्ट यानी कि मृदु ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग निम्नलिखित कार्य के लिए किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है पतली लाइन खींचने के लिए, गाढ़ी लाइन खींचने के लिए या निर्माण खींचने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो जो जितनी सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल होगी उतनी ही जो हमारी लाइनें हैं वो क्या होंगी, हमारी गाढ़ी होती चली जाएंगी। तो गाढ़ी लाइन खींचने के लिए हम सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14th, पेंसिल के लेड की हार्डनेस किस पर निर्भर करती है। आपने बताना जो पेंसिल की लेड होता है उसकी जो हार्डनेस है वो किस पर डिपेंड करती है, किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन आपके पास लेड की मोटाई पर, ग्रेफाइट की मात्रा पर, काउलाइन की मात्रा पर या पेंसिल की लंबाई पर। तो जो पेंसिल में लेड होता है उसकी हार्डनेस किस पर डिपेंड करती है, काउलाइन की मात्रा पर। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, काउलाइन की मात्रा पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, तो आपने याद रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आमतौर पर किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाता। आपको चार ऑप्शन दी गई है, इनमें से आपने बताना इंजीनियरिंग ड्राइंग में इनमें से किसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो पहला है HB, इसका प्रयोग बिल्कुल किया जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। 2H की पेंसिल का भी प्रयोग किया जाता है, H की पेंसिल का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो 7H है जो सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल है इसका प्रयोग हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं करते। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, डी 7H। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th, उस उपकरण का नाम बताओ जिसका प्रयोग निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है सैंड पेपर, इरेजिंग शील्ड, स्केल या फ्रेंच कर्व। तो निर्धारित लंबाई तक की रेखाओं को मिटाने के लिए हम प्रयोग करते हैं इरेजिंग शील्ड का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इरेजिंग शील्ड। इरेजिंग शील्ड के बीच में खांचे बने होते हैं, तो जिस लाइन को हमें मिटाना होता है उस लाइन को हम खांचे के बीच में रखते हैं और रबड़ की मदद से उसको मिटा देते हैं। तो उसके जो आसपास की लाइन होती है वो इरेजिंग शील्ड से ढकी होती है, इसलिए वो नहीं मिटती। तो जितनी भी लंबाई की हमें लाइन मिटानी होती है इरेजिंग शील्ड की मदद से हम उतनी ही मिटा सकते हैं, बाकी हमारी ड्राइंग शीट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17th, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार की ड्राइंग शीट प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन है मील मेड पेपर, हैंडमेड पेपर या बोथ या नन ऑफ दीज। देखिए जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की शीट है वो दो तरीके से बनाई जाती है, या तो वो मील में बनती है या आदमियों के द्वारा हाथ से बनाई जाती है, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम मील मेड पेपर का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा, मील मेड, क्योंकि ये इनका जो सरफेस है स्मूथ होता है जो मील मेड पेपर होता है, इसलिए इसका प्रयोग ड्राइंग में करते हैं। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, 841x1189 मिलीमीटर के साइज की शीट को किस नाम से नामित किया जाता है। देखिए जैसे ड्राइंग बोर्ड के साइज थे हमारे D0 से शुरू होते हैं, D0, D1, D2, इसी प्रकार हमारे ड्राइंग शीट के भी साइज होते हैं जो शुरू होते हैं A0 से A1, A2 करके ऐसे होते हैं, तो अलग अलग साइज होते हैं। यहां पूछा गया है 841x1189 मिलीमीटर के साइज की शीट को किस नाम से आप नामित करोगे। ऑप्शन आपके पास A0, A1, A2, A3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा ए, 841x1189 साइज की जो सीट होती है उसको बोलते हैं हम A0 साइज की सीट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए इस क्वेश्चन के लिए। अब देख लेते हैं सारे जो साइज हैं ड्राइंग सीट के वो आपने याद रखने हैं, तो टेबल का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। देखो यहां पर साइज लिखे गए हैं A0, A1, A2, A3, A4, A5। यहां पर उसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है। A0 का साइज है 841x1189, A1 का है 594x841, A2 का 420x594। तो इस प्रकार से ये सारे साइज हैं, और ये साइज कौन से हैं, ट्रिम्ड साइज हैं। अनट्रिम्ड साइज इनसे थोड़े से बड़े हैं, जैसे 841 की जगह क्या आ जाएगा 880 आ जाएगा, 1189 की जगह 1230। ये अनट्रिम्ड साइज वो होते हैं जो मील से डायरेक्टली हमें बाहर निकलते हैं, तो इसका साइज थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हैं और फिर कटिंग करके ट्रिम्ड करके उसका एग्जैक्ट साइज हम बना देते हैं। और इस साइज को याद रखने का तरीका ये भी, 841x1189 है, जैसे आप 1189 को आप आधा कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 594 आ जाएगा और 841 हमारा यहाँ पहुंच जाएगा। इसी प्रकार 841 को आधा कर दोगे तो वो आ जाएगा हमारा 420 और 594 हम यहाँ पर ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर 594 को जब आधा करोगे तो वो आ जाएगा हमारा 297,
420 को यहां लिख देंगे। तो हम सीट को आधा आधा करते चलते हैं लंबाई की तरफ से, और हमारा नेक्स्ट साइज हमें प्राप्त होता रहता है। इस प्रकार से आप इनको याद भी कर सकते हो। तो आपने सभी साइज याद करने, कोई भी पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, निम्नलिखित कौन सी ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है? आपने बताना है इनमें से जो साइज दिए गए हैं किस शीट का क्षेत्रफल, यानी जब लंबाई गुणा चौड़ाई कर दोगे तो वो कितनी आएगी, 1 वर्ग मीटर आएगा। ऑप्शन आपके पास A0, A1, A2 या A3। तो जो 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा ड्राइंग शीट जो होती है A0 साइज की, क्योंकि इसका जो साइज होता है वो होता है हमारा 841 × 1189। तो जब इन 2 मिलीमीटर जब दोनों को गुणा करोगे तो लगभग ये आ जाएगा हमारा 999 × 949 मिलीमीटर स्क्वेयर, यानी अगर बात करें अप्रोक्सीमेट आ जाएगा ये इसके बराबर आ जाएगा मिलीमीटर स्क्वेयर के, कितना है ये 1,000,000 मिलीमीटर स्क्वेयर, जो कि हमारा किसके बराबर हो जाएगा 1 मीटर स्क्वेयर के। जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा A0 इस क्वेश्चन के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अब चलते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, 20वें क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए साइज में से A4 नामित ड्रॉइंग शीट का साइज चुनो। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अलग अलग आपको साइज दिए गए हैं, आपने सिलेक्ट करना है A4 के लिए कौन सा साइज होगा। तो जो A4 साइज होता है हमारा वो होता है 210 × 297, ये आपने याद रखना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सभी जो ड्राइंग शीट है साइज आपको याद हो। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज की वीडियो के 20 क्वेश्चन। उम्मीद आप लोगों को सारे अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और जो बच्चा चैनल पर नया चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि उसको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। तो नेक्स्ट इस सीरीज की जो वीडियो नंबर 2 है वो हम जल्दी लेकर आएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी आप जरूर देखें। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।